हेलो एंड वेलकम बैक टू बर्मन्स ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को दिखाने लेके आ रहे हैं एक ऐसे जगह पे जो असम स्टेट के अंदर ही है, और ऐसा एक जगह जो पहले आप लोगों ने शायद नहीं सुने होंगे यहाँ के बारे में या नहीं देखे होंगे। यूनिक तो है लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है ये जगह के बारे में। तो हम आज आप लोगों को रूबरू करवाएंगे ये सुंदर सा जगह और यहाँ का नेचुरल एसेट्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स द लाइक माइंडेड काइंड हार्टेड पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जगह का नाम है बहोरी घाट। बहोरी इज अ विलेज इन चेंगा तहसील इन बरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम स्टेट इंडिया। इट इज लोकेटेड 17 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बरपेटा, 3 किलोमीटर्स फ्रॉम चेंगा मुसलमान पाड़ा, 71 किलोमीटर्स फ्रॉम स्टेट कैपिटल दिसपुर गुवाहाटी। बहोरी घाट इज अ हम्बल एम्बार्केशन पॉइंट फॉर हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स गोइंग फ्रॉम द मार्केट्स एंड फार्म्स एंड विलेजेस इन असम रीजन्स। A beautiful rural riverside village in Barpeta district, Bahori is quite inconsequential in terms of economy or development, known for its jute production. In the evening we reached, market was bustling with life as several ferries were waiting for the passengers to fill and then set off. A few boats were reaching Bahori from the other side of the vast river from some remote invisible village. क्वाइट ए फोटोग्राफिक डिलाइट। साथ ही साथ में सनसेट का आर्टिस्टिक सीन अट्रा करते हैं लोगों को। द प्लेस ऑल्दो ए टूरिस्ट अट्रैक्शन विद नेचुरल ब्यूटी, टूरिस्ट को मालूम ही नहीं होता है कि यहाँ भी आना चाहिए, क्योंकि ये कमर्शियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बेसिस पे डेवलप नहीं किया गया है। पता नहीं अगर गवर्नमेंट के पास कुछ प्लानिंग हो भी सकता है। जो भी है, आज हम इसका भरपूर मजा लेंगे। मेरे साथ बने रहिए। कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि जगह कैसा है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और बर्मन्स ब्लॉग का वीडियो अगर आप नए से देख रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो पब्लिश होते ही आप सबसे पहले वॉच कर सको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्टेंट की ओर। हमारा तो कोई जान पहचान वाला यहाँ दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। अच्छा, यहाँ लोग आना शुरू कर दिए हैं आजकल, तो ये टूरिस्ट स्पॉट और भी इसको डेवलप कर सकते हैं। अरे मोर चिनाकि बंधु पाई गलो ए भगवती दा, अपना सके मोर आगर भिडियो तो देखा पाइसे जलपरी ढाबा जी दी। भगवती दा भी यहाँ मौजूद है, और हमको पता चला कि यहाँ एक तो टूरिस्ट स्पॉट अभी डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। ये मेरे लिए इत्तेफाक की बात है, क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, कुछ तो मतलब एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, और इनके साथ पूरा गिटार विटार लेके एकदम क्या मस्ती है और इनके पूरा ग्रुप आया हुआ है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम अभी आप लोगों को शेयर करवाएंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में लेके जाएंगे ये बोट के थ्रू। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। आइए आइए आइए, सब लोग आ जाइए। कमान तोली चौर है वो आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, वहाँ भी एक गांव है, तो हम उस तरफ जाएंगे। बने रहिएगा आप लोग वीडियो में, मजा आ जाएगा। पूरा गिटार इधर लेके आए हैं आज, तो पूरा मस्ती होने वाला है। अभी स्टार्ट हो गया मशीन। अरे बाप रे, कैसा सिस्टम है भाई। गियर लगा दिया आगे, बढ़िया। चलिए चलिए, बीच में पूरा लेके जा रहे हैं हम लोगों को। वाओ, देखिए आप लोगों को लेके आ रहा हूँ आज ब्रह्मपुत्र रिवर को सफर कराने के लिए। ये देखिए, वाओ मजा आ गया। लेकिन ये आज तो पूरा एकदम सफर हो गया, आज मजा आ गया। लेकिन पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर टाइटैनिक का फील आ रहा है
चलिए थोड़ी देर बाद में जो चीज दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ लेके आए हैं वो चीज हम दिखाएंगे, थोड़ा सा सबर करिए। दोस्त लोगों को भी यहाँ मिल गया, हम लोग सोचे नहीं थे कि ये लोग भी यहाँ मौजूद होंगे। मशीन बहुत देखी है, ये पूरा जो कम्युनिकेशन मेंटेन करे हैं, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। हमने सरायघाट का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि असम में ब्रह्मपुत्र रिवर से जो वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, ये देखिए बोट में गाय वगैरह कैरी करके लेके जा रहे हैं। एक नज़ारा ही कुछ अलग है, बहुत ही मजा आ गया। लेकिन बोट में हम लोग आए हैं तो यहाँ आने के लिए आपको सरसेवारी एरिया, और सरसेवारी एरिया होने के बाद बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में ये बहोरी घाट करके, जहाँ घाट करके एरिया है, यहाँ आइएगा आप लोग। आने से यहाँ आप लोग ये जो मशीन बोट वगैरह हैं ये सभी चीज़ें आप लोग हायर कर सकते हो, और यहाँ लाइफ जैकेट भी ये लोग लाए हैं। पानी वानी में कुछ तकलीफें आ जाते हैं तो ये पहन सकते हो, मैं फिर भी पहन के दिखाता हूँ आप लोगों को। IWT असम। ये लाइफ जैकेट भी पहन लिया है, ये देखिए लॉक लगाएगा। हाँ, एक एक करके जाम करो। बहुत यहीं पे पार्क कर दिए हैं, थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आप लोगों को जो भी स्पॉट दिखाने के लिए यहाँ लेके आए हैं आज सीन दिखाने के लिए, तो वो दिखाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। पूरा मस्ती कर रहे हैं हमारे दोस्त लोग। ये मेन चीजें हैं यहाँ का अट्रैक्शन। इतना बड़ा साउथ में वेस्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमको असम में ही ये सनसेट का मजा हम लोग ले सकते हैं। मैं इतना तो इलाबोरेट करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कैसा फीलिंग हो रहा है ये चीज़ें आप खुद ही फील कर सकते हो यहाँ अगर आप आओगे तो। सच में मजा आ गया। অসমৰ মানুহে সাউথত বা ৱেষ্টত যাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই, অসমত থাকিয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা অকণমানহে দূৰ বহৰি, এই জেগাৰ পৰা আপোনালোকে ছানছেট উপভোগ কৰিব পাৰি। এয়া নদীৰ মাজত বালিচৰ, এই বালিচৰত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। চাওক নজাৰা ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ লাগিছে। আবি ঢল ৰহে হে ধীৰে ধীৰে। इतना सारा बोट चल रहा है, 100 से ज़्यादा अभी तो ऑलमोस्ट पार हो गया है। इसको असमीज में बोलते हैं भुटभुटी। देखिए कितना तेज जाते हैं। लेकिन हम लोग यहीं से निकल के जाते हैं और बीच में से आप लोगों को दिखाएंगे कि सनसेट कैसा दिखता है। यहाँ से तो थोड़ा बहुत दिखा दिया हूँ और नदी के बीच में से दिखाएंगे। देखिए ये रिवर बीच, इसको एक्चुअली ये तो आइलैंड बन गया है बीच में। ये सब चीज़ें एक्चुअली टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए डेवलप कर सकते हैं, और आई थिंक द गवर्नमेंट इज हैविंग सम प्लानिंग टू डेवलप सच अट्रैक्शन। ये हमारा बोट था, हम लोग हायर करके लाए थे, तो इसी से हम लोग अभी जाएंगे वापस और सनसेट का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। पिकनिक करने का मजा कुछ तो अलग ही होगा। सूरज ढल रहे हैं और ये क्लाउड के अंदर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। মায়াবিনী রাতির বুকু দেখা পালো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আই ইয়ার তুমি যে মোর শুকান বন ইয়ারে শেষ তোপাল নামি অহা নয় মোর ये देखिए आसाम का जुबिन गर्ग
और जुबिन गर्ग का ये बहुत फेमस सॉन्ग है, हम सभी लोगों ने एक साथ गाए हैं, मजा आ गया लेकिन यहाँ आके। और पता नहीं ये सांसद हम लोगों को दिखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन बादल से पूरा कवर हो गया है, फिर भी थोड़ा सा देखिए पहले जो दिखाया वही है, आप लोग को समझ ही सकते हो। तो आज लेकिन बहुत मजा आ गया, ये एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था, वैसे ही इत्तेफाक से आके हम इन लोगों को भी मिले तो हमारा आज मजा ही कुछ अलग हो गया। मतलब कौन फल दिया जो तो एक स्पीड कम हुआ तो स्पीड तो बढ़ो और आमी यहां पे स्पीड दिबो लागिबो एने के स्पीड दिले खुशी हो पूरा स्पीड और वाह एने फॉरवर्ड असे और रिवर्स असे रिवर्स कर दिले बैकवर्ड जाबो एटा फ्रंट दिया असे कारणे फ्रंट बेसे ये स्पीड अलग कमाय दिन जाबो एला स्पीड कमी गल आको बढाई दिलो अलग स्पीड पाई गल मजा आ गया दोस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू ये बढ़िया। चलिए हम यहाँ से अभी निकल जाते हैं, आगे चलते हैं। रे रा रा रे 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 रा रा रे 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 रा 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 अंगा गोकु मनो माने नुकी गोकु मुन्नानो माने नुकी मजा आ गया, लेकिन बहुत मजा आ गया आज। ये देखिए फॉर्चुनेटली हमको थोड़ा बहुत ये सांसद जो है यहाँ से दिखने को मिल रहा है और हम लोग आप लोगों को लेके चल रहे हैं, अभी आगे बनते रहिए वीडियो में। ये देखिए मजा लीजिए, आज क्लाउडी के कारण आप लोगों को इतना बढ़िया से तो नहीं दिखा पाया, फिर भी सुंदर एक नजारा है, देखते रहिए। ये सभी जो बोट है ये प्राइवेट ओनर है और ये आप लोग रेंट में भी ले सकते हो, हायर कर सकते हो। यहाँ मछलियाँ बहुत मिलता है।